अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है शाहिद। आज मैं आपको बताऊंगा कि पावर फैक्टर के बारे में। बेसिकली जो पावर फैक्टर होता है वो क्या चीज़ होती है। दोस्तों आज मैं स्पेशली आप दोस्तों के लिए वीडियो लेके आया हूं और आपने ये मेरी वीडियो एंड तक देखनी है और मैं आपको बताऊंगा ये पावर फैक्टर है। ये देखें जी, ये हमारा जो पावर फैक्टर है, ये देखें 400 kVAr का पावर फैक्टर है हमारा और ये इसका मेन पैनल है पावर फैक्टर का, इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, अभी इसको हमने जो रखा हुआ है इसको ऑफ के ऊपर रखा हुआ है, तो हमने बेसिकल अभी इसको आपको चेक करवाने के लिए आपको एक दफ़ा इसको हम करेंगे ऑटो ऑपरेट। ठीक है, ऑटो ऑपरेट करने के बाद आपको ये बताएंगे कि सर ये इसकी जो पावर फैक्टर की रेशो जो आ रही है ऑटो के ऊपर, जो इसके ऊपर बेसिकल जो लोड चल रहा है वो क्या चल रहा है पावर फैक्टर के ऊपर। अभी जो पावर फैक्टर हमारा बता रहा है वो 0.83 बता रहा है पावर फैक्टर, जो अभी हमारा जो लोड चल रहा है एम्पेयर चल रहे हैं। अभी आप देखें हमारे जो एम्पेयर हैं ये 292 एम्पेयर चल रहे हैं और जो वोल्टेज है हमारे थ्री फेज के ऊपर वो 383 है, और ये हमारे जो वोल्टेज हैं वापटा के ऊपर जो वोल्टेज आ रहे हैं ये वो है। और अभी हम आपको दोबारा पावर फैक्टर की तरफ लेके जाते हैं। अभी देखें, अभी हम इसको आपको बताएंगे एक दफ़ा मैनुअल ऑपरेट करके आप इसको जो पावर फैक्टर को, इसके जो वोल्टेज हैं और पावर को आप करते हैं। जैसे ही इसका पावर, बेसिकली जो पावर फैक्टर का जो मकसद होता है रेशो के मुताबिक पावर फैक्टर जो है ना एक होना चाहिए। अभी हम आपको बताएंगे, अभी देखें 83 अभी शो हो रहा है। ठीक है, तो आपने जैसे ही इसको एक पावर फैक्टर को ऐड करना है, जैसे ही आप करेंगे ये 92 आ गया, 0.92 आ गया पावर फैक्टर। और आप ये देखें दोस्तों, इधर जो लोड चल रहा था अभी इसके जो अम्पेयर हैं ये कम हो गए हैं। ठीक है, अभी देखें 266 अम्पेयर हो गए और इसके जो वोल्टेज थे पहले थे 383 थे, अभी 387, यानी कि वोल्ट जो है वो इंक्रीज हो गए हैं, बढ़ गए हैं वोल्ट, और जो अम्पेयर हैं वो इंक्रीज हो गए हैं, नीचे आ गए हैं। अभी आपको मैं मज़ीद बताऊंगा। अभी आप ये देखें दूसरे को आप इसको ऐड करेंगे और देखें 0.99 आ गया पावर फैक्टर, और आप आगे देखें जो हमारे अम्पेयर हैं ये मज़ीद बढ़ गए हैं। ठीक है, अब मज़ीद नीचे आ गए हैं, ये 244 आ गए हैं, ये नीचे आ गए हैं एम्पेयर हमारे, और जो वोल्टेज है वो हमारे अप चले गए हैं। ये देखें ये 389 आ गए, पहले 7 थे, अभी दो वोल्टेज का है वो डिफरेंट आ गया। मज़ीद आप ये देखें, और ये हम इसको तीसरे को हम ऐड करेंगे। ठीक है, तीसरे को ऐड करने के बाद आप देखें अभी 0.99 है। ठीक है, ठीक है, अभी देखें इसको हम ऐड करेंगे पावर फैक्टर को। जी दोस्तों देखें, ये आपको बता रहे हैं ये पावर फैक्टर जो अभी 0.99 पे आ गया। अभी इसको हम पावर फैक्टर एक पे लेके आएंगे। अभी आपने इसको दूसरे को ऐड करना है साथ, अभी इसको साथ ऐड करेंगे और जो देखने के बाद अभी देखें ये अभी पावर फैक्टर एक आ गया है। ठीक है, एक आने के बाद अभी जो आपके वोल्टेज एम्पेयर हैं ये मज़ीद इंक्रीज हो गए हैं और जो आपके जो हैं वोल्टेज मज़ीद बढ़ गए हैं, और देखें ये 389 वोल्टेज हो गए हैं। अभी आपका इधर पावर फैक्टर बिल्कुल एक्यूरेट है और प्रॉपर चल रहा है, और इसके जो वोल्टेज और एम्पेयर की रेशो है वो बिल्कुल बराबर है। जी दोस्तों देखें, अभी इसका जो पावर फैक्टर है 1.0 है, अभी इसको एक्यूरेट पावर फैक्टर है। अभी इसको मज़ीद आप इसके जो नुकसान देखेंगे जो पावर फैक्टर के, जिस पे आप वो नुकसान वाली साइड पे जाते हैं, हमारा पावर फैक्टर जब काम कर रहा था कैपेसिटर ज़्यादा ऐड हो जाते हैं उसका क्या आपको नुकसान होगा। मज़ीद आप एक पावर फैक्टर को और ऑन करेंगे तो ये देखें आप वापस आना शुरू हो गया, इसके 0.98 पे आ गया और आपके जो अम्पेयर हैं ये बढ़ गए हैं, ये 252 पे अम्पेयर आ गए हैं, और वोल्टेज इसके देखें मज़ीद वोल्ट बढ़े हैं। ये हमारा लॉस वाली साइड पर जा रहा है, हमारे अम्पेयर भी ज़्यादा लेगा और ये हमारे वोल्ट भी ज़्यादा लेगा। इसको आप देखने के लिए मज़ीद जो है आप इसको और को ऐड करेंगे, ये देखें मैं आपको एक और ऐड कर, फिर ये मज़ीद जो है आप देखें ये मज़ीद साथ ऐड हो गया। जी ये देखें जी, ये अभी 0.8 माइनस पे आ गया। ठीक है, पावर फैक्टर आने के बाद ये देखें आपके एम्पेयर जो है ना ये मज़ीद बढ़ गए हैं।
ये आपका मुकम्मल जो लॉस पे आपको लेके जाएगा, बिजली का आपकी इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल होगा वो आपका ज़्यादा आएगा। अगर आपने जो पावर फैक्टर है उसको आप मेंटेन नहीं करेंगे, आपकी बिजली का इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है वो है, मिसाल के तौर पे जिधर 1 लाख आता है उधर वो 2 लाख आएगा, 3 लाख आएगा, यानी कि बिल में इजाफा हो जाएगा। आपने इसको प्रॉपर रखने के लिए आपने क्या करना है, आपने अपने पावर फैक्टर को 0.9 पे या 1 पे आपका पावर फैक्टर होना चाहिए। तो आपको इसको ये देखें, जैसे ही आप पावर फैक्टर वाली साइड पे देखेंगे, हम इसको ऑफ़ करेंगे तो ये वापस अपनी असल पोजीशन पे चला जाएगा। ठीक है, ये देखें अभी 0.9 पे आ गया, ये देखें अभी आप ये प्रॉपर पावर फैक्टर पे आ गया। और आप अभी देखें इसके जो एम्पेयर हैं वो कम हो गए, पहले एम्पेयर इसके 275 थे, अभी एम्पेयर इसने ड्रॉप कर दिए हैं। वोल्टेज भी हमारे स्टेबल हैं और वोल्टेज में भी किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। और ये आपको पावर फैक्टर के बारे में बताने का मकसद यही है कि आपको पता होना चाहिए दोस्तों को पावर फैक्टर को आपने कैसे यूज़ करना है और कैसे चलाना है। मज़ीद हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें और शेयर करेंगे दोस्तों के साथ। पावर फैक्टर के बारे में मज़ीद मालूमात चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स करें, इंशाल्लाह मैं आपको पावर फैक्टर के बारे में डिटेल के साथ बताऊंगा।